योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी 2024 चुनाव में यूपी को लेकर के आमने सामने हैं। योगी आदित्यनाथ ने मोदी को नसीहत दे डाली है। 2024 चुनाव को देखते हुए मोदी जी जिस तरह से रंग बदल रहे हैं ना, उसे देखते हुए योगी आदित्यनाथ का गुस्सा फूटा। भाजपा के अंदर खाने से ये खबर निकल के आ रही है कि योगी आदित्यनाथ 2024 का खेल बिगाड़ सकते हैं। मोदी की 2024 की रणनीति के विरोध में उतरे योगी आदित्यनाथ। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि आखिर बीजेपी के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है आपको पता चलेगा। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुमत के साथ चुनाव जीतने के बाद भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ना ही वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया और ना ही शिवराज सिंह चौहान को, और उनके बदले ऐसे दो मुख्यमंत्री चुने गए जिनके पास कोई राजनीतिक एक्सपीरियंस है ही नहीं जितना राजे और शिवराज के पास है। तभी सबको अंदाजा हो गया था कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा आलाकमान कोई दूसरा योगी आदित्यनाथ नहीं बनाना चाहते, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच 36 का आंकड़ा पहले से है, जो 2024 चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को बड़ी मुसीबत में अब डाल दिया है। लोकसभा की 80 सीटें यूपी से है। कहा जाता है यूपी में जिसका पलड़ा भारी वही करेगा दिल्ली की तैयारी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच वसुंधरा बना मोदी, शिवराज बना मोदी की लड़ाई देखने को मिल रही है। और अंदर खाने से बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी और योगी के बीच में आपस में बन नहीं रही, योगी और मोदी के बीच मतभेद बढ़ रहे। इसीलिए योगी ने हाल ही में मोदी को कटाक्ष करने के लिए एक चैनल को इंटरव्यू देते वक्त कुछ ऐसा कहा है जिससे हर कोई दंग रह गया। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उसके साथ घटनाक्रम किस तरह से यूपी में बदलता हुआ नजर आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगी कि आखिर में योगी और मोदी के बीच मसला क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूं कि आखिर वजह क्या है, किसके चलते या किस वजह से योगी आदित्यनाथ मोदी जी को नसीहत दे रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ फौज खड़ी कर रहे हैं, मंच पर मोदी पर ही निशाना साध रहे हैं, वो है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी का शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम। जी हाँ, सही सुना आपने, शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम। सुनने में अटपटा लगता है, यकीन नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के साथ या नरेंद्र मोदी की राजनीति ये शुक्रिया भाईजान के साथ कहीं पर भी मेल खाता है। यूपी में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम शुरू हो गया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में बिल्कुल भी, इस कार्यक्रम से बिल्कुल खुश नहीं है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पहले मोदी जी का मुसलमानों के प्रति यूटर्न या पलटी मारना योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं आया। इस कार्यक्रम को योगी आदित्यनाथ रोकना चाह रहे हैं और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी 2024 में चुनावी जीत के लिए मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। चोट वोट की लगी, डर लगने लगा, मुसलमान अब मुझे भला भला सा लगने लगा। मोदी जी का कुछ हाल ऐसा ही, और इसमें योगी आदित्यनाथ मोदी के विरोध में उतर आए। दरअसल ये शुक्रिया मोदी भाईजान में भी मोदी जी घिर गए, क्योंकि इस कार्यक्रम में मोदी जी और बीजेपी जिस राजनीतिक परिभाषा को मैदान में उतरकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा बिल्कुल उसका उल्टा राजनीति करती है। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, ये एक प्रचलित सत्य है, आप मान सकते हैं कि इसे हर कोई मानता है। राजनीति के केंद्र में मोदी के आने के बाद ये खाई और गहरी हुई, ये भी करीब करीब हर कोई मानता है, ये फैक्ट है दोस्तों। बीजेपी इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ सकती, बल्कि उसे मानना पड़ा।
और अब जिस तरह से मुसलमानों के घर उजाड़ने की खबर आती है, बुलडोजर चलाने की खबर आती है और नरेंद्र मोदी की सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने का जिस तरह का आरोप लगता रहा है, उसे लेकर के एक इंटरनेशनल प्रेशर आप कह सकते हैं मोदी सरकार पर है। कहा जाता है कि ये जो 80 और 20 की लड़ाई है, यानी 80% हिंदू और 20% वोट बैंक मुसलमानों के, वोट बैंक मुसलमान है, इसे लेकर के बीजेपी बड़े ताकत के साथ हमेशा कहती है कि हमारे पास तो 80% की वोट है, हमें 20 की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब 2024 चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को मुसलमान समाज जो है वो भला भला सा लगने लगा है। ये 80% वोट अब नरेंद्र मोदी को चाहिए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ये मान रहे हैं कि वो 20% अब नरेंद्र मोदी को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर कहीं ना कहीं आगे खड़ा कर सकता है, इसलिए उन्हें 20% वोट चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ को ये 20% वोट नहीं चाहिए। तमाम सारे पुराने तथ्यों और राजनीतिक अगर पैटर्नों को आप देखें तो नरेंद्र मोदी अभी इसे झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मुस्लिम विरोधी प्रधानमंत्री नहीं है। बीजेपी दोस्तों डोर टू डोर कैंपेन करेगी। यूपी की जो मुसलमान गांव है जहां मुस्लिम ज्यादा बसते हैं, उस इलाके में वो पहुंचेगी और लोगों को समझाएगी कि देखिए राम मंदिर क्यों बन रहा है, इसमें बीजेपी की या सरकार की कोई गलती नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है। बीजेपी को लेकर के जो गलतफहमी मुसलमान समाज के बीच में है, उसे मोदी जी 2024 चुनाव से पहले दूर करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आप हमें ये बताइए ना, आज राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के राम मंदिर उद्घाटन, हर जगह बस एक ही नाम है, वो है नरेंद्र मोदी। हर जगह एक ही तस्वीर है, नरेंद्र मोदी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जिक्र तक नहीं है, राम लला की भी जिक्र नहीं है। ऐसे में कैसे मुस्लिम समाज की गलतफहमी दूर करेगी बीजेपी? और इसी के चलते दोस्तों, मोदी और बीजेपी की शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम से योगी आदित्यनाथ खुद को दूर रखना चाहते हैं और वो चाहते भी नहीं है कि यूपी में ये कार्यक्रम हो। इसीलिए उन्होंने साफ शब्दों में एक इंटरव्यू में कहा कि सीएम ने कहा है कि ये कोई रंगमंच नहीं है, मैं जैसा कपड़ा घर पर पहनता हूँ वैसा ही कपड़ा मैं बाहर भी पहनता हूँ। ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग कपड़े पहनकर लोगों को हम बेवकूफ बना सकें। यहाँ दोस्तों हर कोई कह रहा है, ये टिप्पणी एक तरह से मोदी जी जिस तरह से हर मंच पर कपड़े बदलते हैं उसके साथ है, लेकिन साथ साथ ये एक राजनीतिक सोच जिस तरह से मोदी जी बदल रहे हैं, चुनावी मौके को देखकर वोटों के लिए मोदी भाईजान जैसे कार्यक्रम को अंजाम वो दे रहे हैं, सीधा सीधा राजनीतिक फायदे के लिए मोदी जी रंग बदल रहे हैं, विचारधारा बदल रहे हैं, ये योगी को पसंद नहीं। 2024 के लिए यूपी अल्पसंख्यक बीजेपी की तरफ से शुक्रिया मोदी भाईजान उसी मुहिम का हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ को यूपी की राजनीतिक समीकरण को मोदी जी जिस तरह से चुनावी फायदे के लिए बिगाड़ना चाहते हैं, ये योगी जी को पसंद नहीं है। और उन्होंने पार्टी के भीतर ही इसे लेकर के मोदी को चुनौती दे ही दी है और बीजेपी इसे उन राज्य में आगे बढ़ाएगी जहां मुस्लिम मतदाता ठीक संख्या में है, इसमें सबसे आगे यूपी है। और यूपी चुनाव में नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से योगी को सीएम की कुर्सी से हटाने की जोरदार कोशिश करी, लेकिन बाद में योगी के आगे मोदी को घुटने टेकने पड़े और आज योगी वो मुख्यमंत्री नहीं है जो मोदी के इशारे पर नाचेगा। इसीलिए यह गलती मोदी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में नहीं करी। लेकिन इतना तो साफ हो गया कि 2024 से पहले सबसे बड़ा राज्य यूपी को लेकर के मोदी और योगी आदित्यनाथ अब आमने सामने हैं। दोनों में जमकर बहस छिड़ गई है। तो क्या चुनाव को देखते हुए मुस्लिम विरोधी नेता मुसलमानों को साधने की अगर कोशिश में लगे तो उस नाटक को अपने ही मुख्यमंत्री ने सबके सामने बेपर्दा कर दिया। अब इस पर क्या ही कहा जा सकता है, नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार वाकई अगर मुसलमानों के बारे में सोचती हैं, उनके बारे में उनकी भलाई चाहती हैं बीजेपी, तो ज़रूर ऐसे कार्यक्रमों की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए अगर नरेंद्र मोदी ऐसा करते हैं, अगर बीजेपी ऐसा करती है, तो जाहिर सी बात है जो बुलडोज़र की नीति अपना कर राज्य चला रहे हैं उस योगी आदित्यनाथ को, उस मुख्यमंत्री को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को भी आगे चल के महंगा पड़ेगा।
तो यूपी को लेकर के जहां 403 में से 80 सीटें यूपी से हैं, लोकसभा की अगर बात की जाए तो उस लोकसभा चुनाव से पहले 80 सीटों पर अगर नरेंद्र मोदी वर्सेस योगी आदित्यनाथ हो जाए तो सोचिए यूपी की राजनीति किस ओर आगे जाएगी या किस दिशा की ओर आगे बढ़ेगी। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं, नरेंद्र मोदी का बीजेपी का ये शुक्रिया मोदी भाईजान का जो कार्यक्रम है इसे आप किस नजर में देखते हैं, क्या चुनाव से पहले ये रंग बदलना नहीं है, ये विचारधारा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाना नहीं है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसे तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ, निष्पक्षता के साथ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देशनीति वो मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां आपको सिर्फ और सिर्फ सच हम दिखाने की कोशिश करते हैं, अब तक वो खबरें पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो गोदी मीडिया पर या तमाम गोदी पत्रकार आप तक पहुंचाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। तो ऐसे में हमें आपकी सहयोगिता की, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, देशनीति के फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।